मसीह में आराम। हमारा थर्ड क्वार्टर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इसके ऊपर पिछले दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा शीर्षक है, वो है लॉन्गिंग फॉर मोर, अधिक की लालसा। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर पीएम लाल, मैं आपका स्वागत करता हूँ, एंड मिस्टर मोन्टू, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। पास्टर लाल, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे लिए आज का याद वचन पढ़ें, जो कि पहला करिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 6 आयत में मिलता है। ओके, यहाँ इस तरीके से लिखा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी अभिलाषाओं और वस्तुओं का लालच ना करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसराइली लोगों की बात चल रही है कि पौलुस रसूल जो है नए नियम में आकर कह रहा है कि हम वो जो इसराइली लोगों ने किया, हमारे लिए एक वो एग्जाम्पल है, आज के समय में हमारे लिए एक उदाहरण है, और बहुत सी चीजें जो हमें आज सीखने के लिए मिलती है। तो मिस्टर मोन्टू, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसराइल ने जो निर्गमन के समय जो कूच की थी, उन्होंने उसके समय जो एक्सपीरियंस किया, उससे हम क्या अच्छे और बुरे लेसन सीख सकते हैं? मैं उससे पहले कि आज के लेसन में जाऊं, मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और दूसरे वचन से मैं पढ़ूंगा। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उन आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। तो हम देख रहे हैं कि पौलुस यहाँ पे कुरिन्थियों के चर्च को एक्सप्लेनेशन दे रहा है, बट एग्जाम्पल दे रहा है, उदाहरण दे रहा है कि किस तरीके से इसराइल जब को मूसा जो है कनान देश को लेके जा रहे थे, तो उस समय किस तरीके से परमेश्वर ने उनको साथ दिया, उनको चट्टान से जो है पानी पिलाया, उनको आत्मिक भोजन दिया। लेकिन फिर भी कुरिन्थियों को ये बताना चाह रहे हैं पौलुस कि फिर भी वो परमेश्वर के साथ फेथफुल नहीं थे, फिर भी वो परमेश्वर से, फिर भी परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। और हम देखते हैं कि एक बार जब उन्होंने व्यभिचार करना स्टार्ट कर दिया, जब उन्होंने परमेश्वर के हुक्मों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, लालच करना स्टार्ट कर दिया, तो एक दिन 23,000 जो इसराइली क्या हो गए थे, मारे गए थे। और हम देखते हैं कि अब ये जो मेन जो यहाँ पे चीज हमें देखने के लिए मिलता है कि मसीह यीशु उनके साथ था, जो पानी चट्टान जो है यीशु मसीह को दर्शाता है, जीवन का जल यीशु मसीह को दिखाता है, और यीशु मसीह उनके साथ होने के बावजूद भी वो प्रभु यीशु में, खुदा में फेथफुल नहीं थे। और पौलुस यहाँ पे उसी चीज को कुरिन्थी चर्च को बताने चाहता है कि आज हम उनके पास, आज हमारे पास भी क्या है कि यीशु मसीह है, उसका जीवित वचन है, तो हम क्या करें, परमेश्वर में फेथफुल रहे, विश्वास योग्य रहे, जो उन्होंने किया वो हम आज ना करें, हम अपनी आत्मिक उन्नति करें। तो हम देखते हैं कि इतने बड़े चमत्कार उनके सामने होने के बावजूद भी उनका विश्वास बिल्कुल कमजोर पड़ा, लेकिन आज वो एग्जाम्पल हमारे सामने है, सीखने की बात है कि हमारा विश्वास कहीं मसीह में कमजोर है कि नहीं, हमें परखने की बात है। बिल्कुल सही आपने कहा, जैसे कि हमने आज का टाइटल भी अपना देखा है कि अधिक की लालसा। बेशक खुदावन ने कितने उनके लिए चमत्कार किए और हर तरह की आशीष उन्हें देता रहा परमेश्वर उस जंगल में भी, लेकिन उनकी अगर हम देखें तो लालसाएं आगे बढ़ती जाती थी और आगे आगे बढ़ती जाती थी, और आज भी इंसान की लालसाएं ऐसे बढ़ती है। और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमें मिलता है, जैसे आपने पहले ही बता दिया है कि जब जब उन्होंने ऐसा किया उनको उसका भुगतान भी करना पड़ा। थैंक यू सो मच मिस्टर मोन्टू। और पास्टर लाल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे हम देखते हैं कि बाइबल में हम विधियों का और बलिदानों का बहुत जिक्र पाते हैं, तो आप क्या इनसे समझते हैं, विधियां और बलिदानों के बारे में? पास्टर विलियम, बाइबल में बताया गया है कि जैसा पौलुस ने लिखा है 10:6 आयत में कि पुरानी जितनी बातें थी वो सारी एक दृष्टांत के रूप में थी हमारे लिए, ताकि हम उससे ज्ञान हासिल करें।
तो इसी तरीके से जितनी भी विधियां और बलिदान जो मंदिर में किए जाते थे वो भी हमारे लिए एक दृष्टांत की रीति के ऊपर था, जो ये हमको बताते थे कि इनके पीछे उसका अर्थ उसका मीनिंग जो है वो कुछ अलग है। पुराने नियम में जितनी भी रिचुअल जितनी भी विधियां और जितने भी बलिदान जो है वो दिए गए हैं व्यवस्था की पुस्तक में, वो हमें नए नियम में उसका सही मीनिंग हमको पता चलता है। बाइबल में हम देखते हैं कि बलिदान जो दिए गए थे तो रिचुअल जो है उनका एक अपना स्टैंड था, रिचुअल्स का एक अपना जो है महत्व था उनका, क्योंकि रिचुअल्स जब भी कोई मनाई जाती विधियां कोई भी मनाई जाती हैं उन विधियों का एक पर्टिकुलर एक खास समय होता है, उनका एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है, उनका जो है वो एक सही एक सीक्वेंस होता है, उनके अंदर एक क्रमबद्ध तरीके से जब वो मनाई जाती हैं। ऐसे ही जब बलिदान लाते थे तो परमेश्वर जो है उनको बलिदान लाने के लिए कहता था, और वो बलिदान जो मनाए जाते थे उनका एक समय होता था। मैं आपके बीच में जो है बाइबल का एक रेफरेंस पढ़ना चाहूंगा जो लेवी व्यवस्था की पुस्तक 4 अध्याय उसके 32-35 में वचन में लिखता है, यदि वह पाप बलि के लिए एक भेड़ी का बच्चा ले आए तो वह निर्दोष मादा हो, और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखें और उसको पाप बलि के लिए वहीं बलिदान करें जहां होम बलि पशु बलिदान किया जाता है। तब याजक अपनी उंगली से पाप बलि के पशु में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सब लहू को वेदी के पाए पर उढ़ेल दे, वह उसकी सब चर्बी को मेल वाले भेड़ के बच्चे की चर्बी के समान अलग करे। तब याजक उसे वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, और इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित करे और वह क्षमा किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक सिस्टम है, एक तरीका है, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताया गया है, और ये आगे जाकर हमें किस तरीके से जो है वो फ्यूचर के बारे में बताता है उसके ऊपर मैं आपको जो वो बताऊंगा। पास्टर लाल, हमारे इस सेगमेंट का समय यहीं पर समाप्त होता है और छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, आइए चलते हैं पास्टर लाल के पास। प्रभु यीशु मसीह के वचन में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने यह संसार बहुत सुंदर बनाया था, लेकिन पाप आने के बाद परमेश्वर मनुष्य से आमने सामने बातचीत नहीं कर सका। तो परमेश्वर ने अपने मैसेजेस को अपने संदेशों को मनुष्य के साथ जो है वो मनुष्य को देने के लिए उसने माध्यम यूज़ किए। तो मंदिर जो था और मंदिर के बलिदान जो थे वो अपने आप में एक बहुत बड़ा माध्यम था परमेश्वर के उस अनंत योजना को मनुष्य के ऊपर प्रकट करने के लिए। उसमें बलिदानों का जिक्र था, उसमें खून बहाए जाने का जिक्र था, उसमें विधियों का जिक्र था अलग अलग का। तो ये जो विधियां बताई गई हैं, इन विधियों को हम जब देखते हैं तो मूसा बाइबल में लिखता है, कहता कि ये विधियां जो थी एक खास जो है वो किसी खास काम की किसी खास घटना की ओर जो वो इंगित करती हैं ये। और इनको जब हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में तो हमें पता चलता है यूहन्ना में, जब हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में 1:29 उसमें लिखता है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जर्दन नदी पे बपतिस्मा दे रहा था, प्रभु यीशु मसीह उनके पास आए, और जब आए तो वो देखकर प्रभु यीशु मसीह को दूर से कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो इन बलिदानों के अंदर सबसे ज्यादा जो मिक्स था, मिला हुआ था, सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन था, सबसे ज्यादा जो कार्य था वो था ब्लड का, खून का, क्योंकि बाइबल में लिखता है कि बिना खून बहाए माफी नहीं हो सकती है। एक और बहुत अच्छा वचन है बाइबल में, मैं चाहूंगा यदि पास्टर विलियम मेरे लिए पढ़ देंगे उसको, लेवी व्यवस्था 17 उसकी 11 में यहाँ पर लिखा, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। थैंक यू वेरी मच। तो प्राण किस में है? लहू में। और पापों का प्रायश्चित भी किसमें हो सकता है?
वो भी लहू में ही हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने और स्वर्ग के परमेश्वर ने हमें जो है मंदिर की विधियां दी, ताकि वो विधियों के द्वारा हम परमेश्वर की उस अनंत योजना को स्मरण रखें जो आकर प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण क्रूस के ऊपर दिए, आकर वो हमारे लिए मरे, अपना लहू बहाया, तो बाइबल में लिखता है कि वही लहू के द्वारा हमें पापों का छुटकारा होता है। और जब उसने बलिदान किया, उसके बाद इन विधियों का अंत करते हुए इफिसियों की पत्री में लिखता है, कहता है कि उसने इन विधियों को जो है इनका खुलम खुला क्रूस के ऊपर उसने क्या किया, इनका मजाक उड़ाया, इनका इनको खत्म किया उसने। तो हर एक विधियां जो प्रभु यीशु मसीह की सेक्रीफाइस से संबंध थी, लहू से संबंध थी, वो सारी जो है मसीह के क्रूस के ऊपर आकर क्या हो जाती है, अंत हो जाती हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जो है उद्धार का सबसे बड़ा मॉडल जो है, सबसे बड़ा नमूना जो है, वो बन जाते हैं। बहुत ही अच्छे विचार आपने हमारे साथ साझे किए, शेयर किए हैं। और मिस्टर मुंटू, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी इब्रानियों 4 अध्याय जब हम देखते हैं उसमें विश्राम की बात चल रही है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पौलुस रसूल कौन से विश्राम की वहां पर बात कर रहा है? मैं आपके सामने पढ़ूंगा, यहाँ पे लिखा है 4:3, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसे उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक चीज बड़ी खूबसूरत चीज देखने को मिलता है कि विश्वास और विश्राम के जो संबंध है बहुत ही घनिष्ठ है। हम जब पहले पढ़ते हैं कि उस विश्राम में प्रवेश करते हैं कि जिन्होंने विश्वास किया, तो यहाँ पे एक हमें संबंध दिखता है विश्वास और विश्राम में। और पौलुस यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से इजरायली को मिस्र देश से निकाल के कनान देश को पहुंचाया जा रहा था ताकि वो विश्राम पा सके, रेस्ट पा सके, और हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम दिन में प्रवेश न कर पाएंगे। लेकिन अगर हम उनकी जर्नी को देखें, यात्रा को देखें, इतने कठोर हो गए थे, और दूसरी बात कि वो जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना भूल गए थे, अनाज्ञाकारी हो गए थे। पसलाल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मतलब बात की गई है खास तौर पर कि वो मेरे विश्राम में प्रवेश ना कर पाएंगे, ये सबत का दिन, जो विश्राम का दिन, उसकी बात चल रही है या कोई और दिन की बात चल रही है? ये जो इब्रानियों 4 में लिखा है विश्राम के विषय में, इसका जब हम बाइबल के और रेफरेंसेस को देखकर अध्ययन करते हैं, जैसे जो है वो भजन संहिता 95:95 में जो है उसका वर्णन है, ये यहोशू की पुस्तक में उसका वर्णन है, तो ये सब कुल मिलाकर जो है हमको ये बताता है कि ये वो विश्राम नहीं है जो वीकली विश्राम है, जो साप्ताहिक विश्राम का दिन है, सैबत का, प्रभु का जो पवित्र दिन है, उसके विषय में ना बात करके ये टेक्स्ट जो है ये हमको लेके जाता है उस डिसोबीडियंस की तरफ, क्योंकि लिखता है, कहता है, उसमें बताया गया है कि तुम अपने मन को कठोर ना करो। और जब इसका अध्ययन करते हैं तो मस्सा और मरीबा में इजरायलियों के पास जब पानी खत्म हो जाता है पीने के लिए, तो वो मूसा को पथरवा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और जब मूसा को पथरवा करने के लिए वो खड़े हो जाते हैं, तब वो देखते हैं कि मूसा जो परमेश्वर से गिड़गिड़ा के कहता है कि हे प्रभु, ये लोग तो मुझे मारने के लिए तैयार है, क्या करें, इनके पास पानी नहीं है और ये मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार है, तो मैं क्या करूं। तब परमेश्वर उसको कहता है कि तू लाठी लेके जा, मैं इनको पानी दूंगा। तो उस जगह का नाम वो मस्सा मरीबा रखता, मस्सा मरीबा का मतलब जहां परमेश्वर के साथ उन्होंने वाद विवाद किया। तो वहां पर आप ये देखिए कि इस तरीके से पूरे सफर में यात्रा करते हुए वो जब मुल्के कनान बॉर्डर के ऊपर पहुंचते हैं, तो वहां पर भी वो क्या करते हैं, अविश्वास दिखाते हैं। तो खुदा मिस्र की गुलामी से निकाल के जंगल के सफर से बचा कर उनको जब वो उस देश में ले जाना चाहता था, जिस जो कनान देश है, वो उसमें पहुंच नहीं पाए, इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का ध्यान नहीं रखा। मैं रेफरेंस पढ़ना चाहूंगा आपके बीच में, भजन संहिता की पुस्तक 95 उसकी जो है वो 8 से मैं पढ़ूंगा आपके बाद। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में,
वह मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखों ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा, परमेश्वर कहता है। ये उनकी डिसोबीडियंसी थी। कलाम उनको भी वैसे ही सुनाया गया, वचन उनको भी वैसे ही सुनाया गया, लेकिन वो वचन विश्वास के साथ उनके मनों में सेट नहीं हुआ, उनके मनों में नहीं बसा, और जिसके कारण ये उस विश्राम में जो परमेश्वर उनको कनान देश में ले जाकर देना चाहता था, तमाम जातियों से अलग करके और स्वतंत्रता का संदेश जो प्रभु उनको देना चाहता है कि तुम आराम से स्वतंत्र हो के तुम वहां पर रहो, उसको जो है वो नहीं प्राप्त कर। बिल्कुल सही आपने कहा। और जो अभी आपने ये आयत पढ़ी है भजन संहिता उसकी 95 अध्याय की जो 8 से पढ़ा है, अगर उसकी लास्ट आयत देखते तो वहां पर लिखा है कि इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई। बिल्कुल सही बात है। ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। और वो वहां पर जो बात चल रही है कि जो लोग अन आज्ञाकार रहे, जिन्होंने खुदावन की बात की तरफ ध्यान नहीं दिया या खुदावन की सुनी नहीं, वो लोग सब जो है उस जगह पर जो खुदावन ने प्रॉमिस किया था उनके साथ वहां नहीं कर पाए। और इसी तरह आज भी आप ये देखिए कि सुसमाचार लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन यदि वो विश्वास के साथ उसको ग्रहण नहीं करते, अपनाते नहीं है, अपने मनों को कठोर कर लेते हैं, तो शायद हो सकता है इसराइलियों की तरह उनके हृदय भी क्या हो जाए। हमारे सेगमेंट का समय यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आप सभी का हमारे आज के लास्ट सेगमेंट में। और पास्टर लाल, मैं जैसे हम बातचीत कर रहे थे अपने इब्रानियों 14 अध्याय के ऊपर और हम बात कर रहे थे, मैंने मिस्टर मोंटो से पूछा था कि कौन से विश्राम की यहाँ पर बात चल रही है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहोशू जो है इसराइली लोगों को वो विश्राम नहीं क्या कर सकते, वो प्रवेश नहीं दे पाया। तो यहाँ पर 4:9 में जब हम आते वहां पर लिखा, अंत जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। तो ये विश्राम जो यहोशुआ के समय की बात चल रही, वो तो एक अर्थली विश्राम की बात चल रही, तो ये कौन से विश्राम की यहाँ पर बात चल रही है? थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। क्योंकि 8 आयत से लिखता है, क्योंकि यदि यहोशु उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सैबत का विश्राम बाकी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का ओरिजिनल खास जो प्रभु का जो योजना थी इसराइलियों के लिए, मिस्र की गुलामी से निकाल के उनको कनान देश में बसाने की, और उसके द्वारा जो परमेश्वर अपना संदेश उनको देना चाहता था और जिसके लिए प्रभु तैयार करना चाहता था कि जैसे परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाला, वैसे ही तुम्हें पाप की गुलामी से निकाल के तुम्हें परमेश्वर अनंत जीवन देता है। लेकिन उनकी आज्ञाओं के उल्लंघन के कारण और परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य न रहने के कारण यहोशू की कोशिशें भी उतनी जो है वो सफल नहीं हो पाई, जहाँ जैसे पौलुस लिखता है। इसलिए वो एक नए विश्राम का वर्णन करता है, और मैं चाहता हूँ उसके लिए ब्रदर मोंटू से हमारे लिए एक बाइबल की आयत पढ़ेंगे, गलतियों की पत्री उसका 3:26-29। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर है परमेश्वर के संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र और न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह में एक हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। धन्यवाद ब्रदर। यहाँ पर हम देखते हैं
कि यही सुसमाचार जब लोगों तक पहुंचता है, साधारण लोगों तक पहुंचता है, और जब वो सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हैं, तो जो इसराइल कौम जो चुनी गई थी खास कार्य को करने के लिए, जब वो नहीं उस काम को कर पाए, तब परमेश्वर का सुसमाचार हम देखते हैं जन साधारण के तक जाता है और इसराइल के अलावा अन्य जातियों के पास जाता है, और वो लोग जब विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं। तो ये जो विश्राम है जिसका नवे आयत में जिक्र करता है इब्रानियों 4 बाब में, ये विश्राम वो विश्राम नहीं है जो अर्थली विश्राम जिसको हम कहेंगे, ये वो विश्राम है जो परमेश्वर अपने पवित्र भवन में अपने लोगों को ले जाकर करेगा। क्योंकि यहां लिखता है, कहता है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, यानी जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और उसके वो क्या हो जाते हैं, विश्वास के द्वारा उसकी संतान हो जाते हैं, और जब वो प्रभु यीशु मसीह की संतान हो गए तो लिखता है, कहता है कि अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तो यहां पर हम ये मान सकते हैं कि ये वो विश्राम परमेश्वर का होगा जो अनंत भवन अनंत स्वर्ग में देगा। प्रकाशित वाक्य की बुक में हम देखते हैं, मैं जब पढ़ता हूँ बड़ा मुझे आनंद आता है, उसमें यूहन्ना लिखता है अपने दर्शन में, कहता है मैं एक नए यरूशलेम को स्वर्ग से नीचे उतरते हुए देख रहा था जो दुल्हन की तरह श्रृंगार किए हुए है। तो वो जो नया यरूशलेम है उसमें परमेश्वर पाप की गुलामी से दासता से निकाल करके अपने पवित्र लोगों को जो है पवित्र और अनंत जो विश्राम देगा। मैं सोचता हूं पौलुस उस विश्राम का जिक्र जब वो कर रहा है कि वो अभी हमारे लिए बाकी है। एक मेरा सवाल है कि आज हम अगर अर्थली अगर हम आज की दुनिया की बात करें तो हम इस विश्राम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो इस विश्राम को प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। लिखता बाइबल में आसमान के नीचे इस पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया जिसके द्वारा उद्धार हो सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। आपके विचारों के साथ एक मैं और विचार ऐड करना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा। जैसे आपने ये बात बोला, बिल्कुल सही बोला, और हमने देखा इसराइलियों के एग्जांपल कि उनका विश्वास और उनका भरोसा परमेश्वर में कम था, डिसोबीडियंस। बिल्कुल सही बात। और आज हम भी उस विश्राम को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा भरोसा हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में होगा और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा हम इसे प्राप्त। मुझे ना इस बात की मिस्टर मंटू और पसविलियम, मुझे इस बात का ना बड़ा मतलब कई बार मैं बैठ के सोचता हूँ कि यहूदी लोग जिन्होंने इतने इसराइल लोग जिन्होंने इतने बड़े बड़े चमत्कार जंगल में देखे, परमेश्वर दिन में आग का खंभा बन के उनकी रक्षा करता था, दिन में जो बादल बन के उनकी रक्षा करता था, रात को जो आग का खंभा बन के उनकी रक्षा करता था, जंगली पक्षियों से जानवरों से उनकी रक्षा करता था, फिर भी वो लोग इतने डिसोबीडियंट इतने आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले क्यों रहे, है नहीं? मैं सोचता हूं कि इसके पीछे भी परमेश्वर का उद्देश्य था ताकि प्रभु अन्य जातियों को अपनी बादशाहत में आने के लिए तैयार कर सके। तो वो विश्वास वो भरोसा जो वो नहीं कर पाए, यदि मैं और आप उसको करते हैं तो विश्वास के द्वारा हम इब्राहिम की संतान और हम प्रभु में सच्चे इसराइली हो जाते। धन्यवाद करते हैं पास्टर लाल आपका इस अच्छे चर्चा के लिए और हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, एंड मिस्टर मंटू आपका भी कि जो आपने समय निकाला और आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हो। दर्शकों मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ आज के लेसन में से सीखा होगा, इसराइल के जो वो यात्रा अपनी कर रहे थे, और देखें कि किस तरीके से पालूस रसूल खुदावन का दास जो है 4 अध्याय और उसकी 6वीं आयत में 7वीं आयत में बताता, उसका आखिरी हिस्सा अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। खुदावंद का कलाम मेरे अजीजों हमें कह रहा है कि अगर आज आप उसकी आवाज को सुनते हो, कल परसों या आने वाले दिनों में नहीं बल्कि आज अगर उसकी आवाज को सुनते इस कलाम को सुनते हैं तो अपने मनों को कठोर ना करें, क्योंकि उन इजरायली लोगों ने जिन्होंने अपने मनों को कठोर किया वो उस विश्राम में उस देश में उस जगह पर वो जा नहीं पाए, लेकिन वो लोग जिन्होंने खुदावंत की जो आज्ञा के अनुसार चले वो वहां पर गए। और आज अगर हम अपने मनों को हलीम करते हैं
और अपने मनों को कठोर नहीं करते तो प्रभु यीशु मसीह ने खुदावन ने एक हमारे लिए भी जगह तैयार करके रखी हुई है जो कि स्वर्ग है, जहां पर हम अनंत विश्राम पाएंगे। खुदावन आप सबको आशीष दे। मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ।